कोई विपक्ष में होता है तो कहा जाता है कि 70,000 करोड़ रुपए का इरिगेशन घोटाला किया अजीत पवार ने, जब वो आपके अलायंस में आ जाते हैं तब उनसे कोई पूछताछ भी नहीं होती है। मैं आपको स्टेटमेंट करता हूँ कि एक भी केस हमने बंद नहीं। पर सर उसका दूसरा यह है कि उस तरीके से एक्टिवली आपने परसू भी तो नहीं किया, जैसे जब अगर वो विपक्ष में है तो हर रोज ईडी का समन आ रहा है। चार्जशीट कोर्ट के सामने है, कोर्ट हमारे कहने से नहीं चलती है। नहीं, तो इन्वेस्टिगेटिव एजेंसी तो उस जोश से नहीं लड़ती जब विपक्ष में होता है। समन 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 ऐसा आप मानते हो, राहुल जी और सोनिया जी पर केस है वो भी कहाँ चल रहा है, चिदम्बरम साहब पर केस है वो भी कहाँ चल रहा है, वो क्या हमारे में आ गए?